बस मध्ये चित्तोड गडला चाललेलो होत आपण. बहुत बड़ा फोर्ट है, एशिया का बिगेस्ट फोर्ट है. 30 अटैक्स टोटल हुए थे, 27 टाइम राजपूत जीते, 87 टाइम राजपूत जीते, लेकिन 3 टाइम उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था और 3 बार की हार ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बदल के रख दिया था. यहाँ पे फर्स्ट फेमस अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में. रतन सिंह यहाँ के राजा थे और उनकी जो वाइफ थी पद्मिनी, शी वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ द रावल रतन सिंह, एंड खिलजी वॉन्टेड टू मैरी विद पद्मिनी. चाहता तो था कि शादी करके दिल्ली उनको अपने हरम में ले जाए, लेकिन चित्तौड़ कैप्चर करने के बावजूद पद्मिनी उनको नहीं मिलती है क्योंकि वो 13,000 राजपूत लेडीज के साथ में जौहर कर लेती है. सेकंड फेमस अटैक गुजरात के बहादुर शाह का हुआ था 1535 में, रानी कर्णावती का जौहर हुआ था. एंड लास्ट अटैक बाय मुगल एम्पायर अकबर. अकबर के अटैक के समय में यहाँ पे रॉयल फैमिली की किसी भी लेडी ने जौहर नहीं किया क्योंकि यहाँ से कैपिटल उदयपुर शिफ्ट हो चुकी थी, रॉयल फैमिली जा चुकी थी. पीछे रह गए थे जयमल कल्ला जी और फत्ता जी जो कि मेड़ता के राजपूत थे, उन्होंने वॉर किया था और उनकी पत्नियों ने जौहर किया था. ये जो है ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया, 10 ईयर्स में कम्प्लीट हुआ था और उस टाइम में 9 मिलियन का खर्चा आया था. पत्थर पे जो भी काम होता था, नीचे जमीन पे होता था, स्टोन और कॉपर दोनों को मिक्स करते हुए पत्थरों को जोड़ा जाता था. इसके लास्ट के 2 फ्लोर जब आप दूर से देखेंगे तो थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्काई लाइटनिंग हो गया था. 17th century में स्काई लाइटनिंग हो गया था, 2 फ्लोर इसके खराब हो चुके थे. 1881 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने दोबारा रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन उस समय के इंजीनियर वो सब नहीं कर सके जो राणा कुंभा ने किया था 15th century में. और इसको विष्णु टावर भी कहते हैं क्योंकि राणा कुंभा ने इसको विष्णु को डेडिकेट किया था. और इसको हिंदुओं का म्यूजियम भी कहते हैं क्योंकि हजारों गॉड और गॉडेस के स्टैचूज के अंदर है. तो बहुत ही सुंदर है, 37 मीटर्स की हाइट है. और आज हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि अकबर वाज अ ग्रेट रूलर. अकबर ग्रेट नहीं था, अकबर पॉलिटिशियन था जिन्होंने अकबर के रूल को फॉलो किया. जो जयपुर वाले थे, मारवाड़ वाले थे, जो सरेंडर हो गए उनके प्रति अकबर ने पॉजिटिव थिंग रखी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया. और ये मेवाड़ 8th century से 16th century तक कभी ना तो सरेंडर हुआ ना सेक्रीफाइस किया इन लोगों ने. तो यहाँ को जीतने के बाद में, मेवाड़ को कैप्चर करने के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी में चाहे वो अकबर हो या अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता था. तो इन्हीं से पता चलता है कि कौन सी सेंचुरी में कब कहाँ क्या हुआ. गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज राजपूत लेडीज का जब भी वो जौहर करती थी इसी के अंदर नहा के और खुद को आग के हवाले कर देती थी. तो यहाँ पैलेस के अंदर से एक टनल आता है, उस टनल को अब बंद कर दिया गया ताकि उसका मिसयूज नहीं हो. और अभी टेंपल पानी के बीच में है, वहाँ 2 वाटर स्प्रिंग है जहाँ से कंटिन्यू पानी गिर रहा है. और ये पानी कहाँ से आ रहा है आज तक पता नहीं चला. और पानी जब ओवर फ्लो होता है एक झरना गिरता है नीचे, सारा पानी रिवर के अंदर जाता है. 2 रिवर्स है सिटी के बीच में, गंभीरी एंड बेड़स. सो गंभीरी कमिंग फ्रॉम MP एंड बेड़स कमिंग फ्रॉम उदयपुर. बहुत ही मतलब ये एक डेंजर भी कह सकते हैं, बाय चांस अगर अनफॉर्चुनेटली कोई गिर जाता है और स्विमिंग वगैरह नहीं आती हो तो एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे, और ये होता रहता है हर साल. आपको आग के हवाले करती थी तो वो जौहर कहलाता है. सती अलग होता है, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में जब उनकी फर्स्ट वाइफ अपने पति के साथ जिंदा चलती थी तो वो सती. और जौहर ऑल राजपूत लेडीज, जब भी मुस्लिम फोर्ट को जीतते या जो भी दुश्मन फोर्ट को जीतते यहाँ की राजपूत लेडीज को पकड़ के ले जाते, उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते. ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ की राजपूत औरतें आग के हवाले कर देती थी जो जौहर कहलाता है. तो ये तालाब में नहा के फिर ये पूरा जो जगह है ये जौहर की जगह है. और आज भी यहाँ पे आफ्टर होली एक बहुत बड़ा सेरेमनी होता है. उदयपुर से रॉयल फैमिली आती है और ये लोग जो खड़े इसके बैक साइड में हवन कुंड है वहाँ पे वो लोग श्रद्धांजलि देते हैं. हमारे लिए ये एक बहुत पवित्र जगह है और हम जो भी ऑफिशियली गाइड है, गवर्नमेंट से अप्रूव जो गाइड है, वो इसके अंदर पाँव रख के कभी भी टूरिस्ट को नहीं बताते हैं कि ये जौहर की जगह है. Thank you.
Thank you.